लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, सक्रिय राजनीति में प्रियंका वाड्रा गांधी की एंट्री, पार्टी महासचिव नियुक्त, मिली पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश कर रहा है याद, लाल किले में बोस संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, प्रथम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों का भी होगा ऐलान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी में प्रवासी भारतीयों को करेंगे सम्मानित, खास योगदान के लिए 30 लोगों को मिलेगा प्रवासी भारतीय सम्मान, समापन समारोह को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस से पहले दिखी देश की आन बान और शान, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए बदले गए कई मार्ग। नेपियर वनडे में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया, जीत के लिए जरूरी 158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने, अब तक बनाए एक विकेट के नुकसान पर 122 रन।